हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई अपने सामने ये अपाचे आरटीआर 204V, तो भाई इसके ना आज अपन कराने जा रहे हैं सर्विस, ठीक है। और गाड़ी में कंडीशन भाई एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सुनिए इसका देखो पीछे टायर दुखता मस्त लग रहा है। पढ़न लोग कौन? तो भाई ये मजाक की बात है। तो भाई इसके ना अपन सर्विस कराने जा रहे हैं आज, और ये किलोमीटर चल चुकी है टोटल कितनी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये 24,232 किलोमीटर चल चुकी है, और इसमें जो इसका ना सर्विस सिंबल दिखा रहा है, तो मतलब इसको और इससे जो पहले सर्विस कराई थी मैंने, ये 2,500 के अप्रोक्स चल चुकी है बाइक। तो इसे अपन सर्विस आगे लाएंगे, और इसमें जैसे एक है ना थोड़ी यहाँ से इंजन में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, इन आवाज़ इन द सेंस कि भाई ये जो थोड़ा इसका पाइप है ना, इसके यहाँ से एक स्क्रू लूज़ हो रखा है इसका, ये वाला स्क्रू दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये वाला स्क्रू ये इसका लूज़ हो रखा है। तो इसका भी अपने ये चेंज कराना है, टाइट कराना, बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, और बाइक चलने भाई एक नंबर है। और भाई आज से सैटरडे और कल संडे, तो भाई राइड पे जाएंगे, तो उससे पहले सोचा कि क्यों ना सर्विस ही आलू उस गाड़ी की। और भाई एक बात तो बताता हूँ, उसमें ना मैंने इसकी जो मैंने इस बाइक की AMC बनवा रखी है, AMC भाई जो एक कार्ड बनता है, जिससे कि भाई क्या है थोड़ा लेबर चार्ज ये सब लगती नहीं है, जैसे वो ना फ्री सर्विस वाला सीन होता वो है, जिसमें चार सर्विस मिल जाती है एक साल के अंदर, और आपको 2 वॉशिंग फ्री मिल जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड कैसा होता है। तो भाई ये कैसा कुछ कार्ड होता है कि जो एक ऑथोराइज डीलर ही बनाता है, और जहाँ से कार्ड बनेगा ना भाई वहीं से सर्विस सब सारा काम वहीं से होगा गाड़ी का। फिर आगे कहीं आप कार्ड बना लो कहीं से, फिर सर्विस दूसरी जगह कराओ तो भाई नहीं होगा। मेरे साथ पहले से इंसिडेंट हो चुका है, तो अब दिखाता देखो मैंने इससे पहले वाली सर्विस कितने किलोमीटर पर कराई थी। तो भाई दिखाता देखो मैंने सर्विस कितने कराई थी। ये देखो भाई मैंने इससे पहले सर्विस कराई थी 25 तारीख 6/2023 21,747 पे, और अभी टोटल चला कितनी है, ये चली है 24,232 किलोमीटर, तो ये हो गया 2,485 के आसपास हो गया ये। तो भाई जिसके अपने सर्विस आगे लाते हैं, वो जो सर्विस सेंटर ना वो TVS का ही ऑथोराइज डीलर है, उसके पास में अपने घर के पास में ही है, तो अभी वहीं चल के सीधा कराते हैं इसको, लगाते हैं, और सुबह सुबह का टाइम है तो भाई जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो भाई जल्दी बाइक मिल जाएगी। तो भाई बाइक की कंडीशन चेक करोगे आप। तो भाई इसमें बताते हैं कि ना कितना का कॉस्ट रहेगी, कितना इसमें क्या क्या, इसमें ऑयल चेंज होगा, ब्रेक पैड चेंज होंगे, क्या कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसमें ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई 25,000 किलोमीटर पे बाइक में क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या सिर्फ ऑयल चेंज होगा या फिर ब्रेक पैड या फिर और भी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, तो देखते हैं अभी आगे। तो अभी अपन चल के आपको मिलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर। भाई हमने समय सर्विस की गाड़ी दे दी है, ये इन्होंने रिसिप्ट दे दी बना के, और इन्होंने 3 बजे का टाइम दिया है, अब देखते हैं कैसा रहता है। 2 hours later भाई फाइनली हमारी गाड़ी सर्विस हो चुकी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब इसे नीचे जा रहे हैं अपन लोग, अपनी गाड़ी वॉश हो रही, दोबारा एक बार वॉश करा दे, दोबारा वॉश करा दे, देखते हैं। भाई हमारी गाड़ी तो यहाँ है ही नहीं भाई, उसे घुमाते नहीं ले गया कहीं नहीं अपनी गाड़ी इधर। भाई सही है भाई, मज़े ले रहे बड़ी गाड़ी के, भाई गाड़ी की भी पोलिस हो रही है। इनकी भाई पानी वाली मोटर खराब हो गई, वॉशिंग की बात तो कर दी थी पहले, दोबारा कर लें, मैं दिखाता हूँ गाड़ी देखो। तो भाई ये बाइक अपनी सर्विस हो गई, आ गई घर पे, अभी उधर से दिख रही है, और इसका मैं बता देता हूँ पूरा खर्चा कितना है भाई। तो भाई ये रहा इसका देखो बिल, इसमें तो पहला जो ये फिल्टर कंपार्टमेंट ऑयल चेंज ऑयल भाई ये 46 का, दूसरा ये अपाचे आटा जो फ्रंट डिस्क प्लेट चेंज हुई है, इसमें प्लेट चेंज हुई इसकी, ये देखो प्लेट चेंज पूरी कराई है, इसके पैड्स भी चेंज हुए हैं, आगे वाले चेंज कराई उन्होंने पीछे वाले के लिए बताया था, लेकिन पीछे वाला तो भी ये काम चल जाएगा भाई इसका, तो इसलिए पीछे वाले तो वही चेंज नहीं कराई, अगले सर्विस चेंज कराएंगे इसको।
ठीक है। तो इसकी ये जो प्लेट आई है, इसकी प्लेट आई है पूरी, इसका देख रहे भाई, जो ये अपाचे आटा जो लिखा हुआ है ना फ्रंट डिस्क के 30-40 का क्या है, ये आया 359 रुपये का, ये मुझे पता नहीं क्या है। ये डिस्प्ले इसका आई है 1200 रुपये की, ये 1158 रुपये की, 1150 मान लो, और 1150 की। और जिसका जो ऑयल चेंज हुआ है वो आया है 677 रुपये का, 677 का। और जो इसका डिस्प्ले जो पैड्स आए हैं वो आए इसके 150 रुपये के। आगे वाला सिर्फ आगे वाला चेंज कराया है, आगे वाला डिस्क और इसके जो पैड्स आते दोनों चेंज हुआ है, पीछे वाला नहीं कराया भी। और इसमें सिंपल एक ऑयल चेंज हुआ है। और वैसे जो लेबर चाहते हैं ना वो फ्री हुई है, जो कि अपने एमसी जो कार्ड बना रखा है ना उसकी वजह से फ्री हो गई। तो ये टोटल बिल बना है 2712 रुपये का, 2712 का। और भाई इनकी एक बात तो बताता हूँ, देख इसके ऊपर एक कैप आती है, मेरे को 30 सर्विस जो ही कराते हुए, लेकिन इनसे अभी तक वो कैप नहीं आई भाई। अब इसमें थोड़ी धूल मिट जाती है, फिर इन्हें ब्रेक चू चू करने लग जाता है। और दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो सर्विस का अभी तक हटा नहीं, इन से टाइम से ही हुआ, बस सर्विस हो गई बिल बन गया। तो चलो भाई अब इनको दोबारा लेके जाऊँगा, उसके बाद उनकी बात है, मैं सुना के आऊँगा अच्छी तरह। इसकी सर्विस है 24241 रुपये, टोटल 24,000-24,500 के आसपास जो सर्विस होती है वो वाली कराई अपन ने, और जो कि पेड थी। और भाई वॉशिंग वॉशिंग करा लूँगा जैसी भी है, जो पता पड़ रहा है क्या बैंक का वॉशिंग कर दो, जहाँ जाता हूँ वो तक कपड़ा आधी जगह तो कर दिया उन्होंने सही, पॉलिश दो दी बाकी देखो ठीक है, ऐसे धुलती है भाई, दोबारा धुला लेंगे बस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय बाय। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।